अस्सलाम वालेकुम व्यूज़, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है इंशाल्लाह ताला ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ जी ये बहुत ही मज़े की, बहुत ही यूनिक स्टाइल की रशियन सैलेड। ये बहुत ही इजी, बहुत मज़े की बनी है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको भी ये पसंद आएगी। तो मैं आपको इसकी रेसिपी दिखाती हूँ। रेसिपी की तरफ चलने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो लाइक करें और कमेंट्स में भी बताएं। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए ये मायोनीज लेंगे हम, और ये क्रीम एक पैक लेंगे, ग्रीन कलर की जेली लेंगे, और ब्लैक पेपर, काली मिर्च अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेंगे, और ये चीनी लेंगे हम 3 टेबल स्पून। ये थोड़े से माइक्रोनीज लिए हैं हमने, इनको बॉईल किया है। ये स्ट्रॉबेरी लिया है, इनको हाफ करके कट किया है। याद रहे फुल रेड आपने नहीं लेनी क्योंकि वो सॉफ्ट हो जाएगी और मेल्ट होगी तो सारे रशियन सैलेड का कलर ख़राब हो जाएगा। और ये कॉकटेल का एक कप चाहिए हमें। उसके अलावा ये कॉकटेल का जो सीरम होता है वो चाहिए। केले लिए हमने 3 से 4 अदद, सेब लिए हैं 2 अदद, उनको इस तरह से काट लिए। ये ड्राई फ्रूट्स हैं जिसमें खजूर, बादाम और किशमिश वगैरह है, तो ये सब इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हम ये क्रीम जो है ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये फुल पैक एक लेना है आपने। अब ये मेयोनीज ऐड करें हम। अकॉर्डिंग टू टेस्ट आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, अब ये शुगर ऐड करें हम, या आप चाहें तो बारीक इसको पीस के भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्रंची लगती है बहुत मज़े की, तो इसलिए हम यूज़ करें। और ये ब्लैक पेपर यूज़ करें, बिल्कुल थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे बहुत अच्छी तरह से। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसमें ये हम कॉकटेल का सीरम ऐड कर देंगे। अब इसको फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे। कुछ लोग इसमें आलू, मटर और गाजर भी ऐड करते हैं, लेकिन उस तरह से इसका मज़े का फ्लेवर नहीं आता। वो तो फिर मतलब वेजिटेबल्स भी आ जाती हैं तो वो बिल्कुल अच्छा टेस्ट नहीं लगता हमें। आप चाहें तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोग बिल्कुल ऐड नहीं करते क्योंकि इस तरह से उसका सारा फ्लेवर चला जाता है। तो अब हम इसमें सबसे पहले एप्पल ऐड करते हैं, फ्रूट्स ऐड कर रहे हैं सारे। इसके बाद बनाना ऐड करेंगे, केले, अब ये मैक्रोनीज ऐड करेंगे, अब ये अनार ऐड करें, थोड़े से गार्निशिंग के लिए छोड़ रहे हैं, स्ट्रॉबेरीज ऐड करें। ये देखिए कितना कलरफुल सा लगेगा, इंशाल्लाह बहुत मज़े का बनेगा। अब ये फ्रूट कॉकटेल ऐड करें, ये फ्रूट सारे, और अब ये ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे, थोड़े से बचा लेंगे गार्निशिंग के लिए। और अब इसको अच्छे से मिक्स कर दें। ये देखिए कितना कलरफुल, कितना मज़े का ये रेडी हुआ है। ये देखें जी, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो अब हम इसकी गार्निशिंग करते हैं। सबसे पहले ये जेली रखेंगे। ये इसलिए जेली मैंने रखी है क्योंकि ये ग्रीन जेली इसलिए रखी है क्योंकि रेड और बाकी कलर्स हैं और ग्रीन नहीं था, तो इसलिए हमने ग्रीन जेली यूज़ की है। अब ये स्ट्रॉबेरीज रख रहे हैं।
थोड़ी सी अनार डाल दें, अब ये ड्राई फ्रूट्स डाल दें। ये देखिए कितनी खूबसूरत सी गार्निशिंग हो गई। तो ये जी हमारा रशियन सैलेड बिल्कुल रेडी है। देखिए बिल्कुल कंप्लीट हो गया है, बहुत मज़े का रेडी हुआ है। आप इसी रेसिपी से बनाइएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएगी ये रेसिपी। इसी के साथ मैं चलती हूँ, मैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।